नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज के ध्यान के सत्र में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ध्यान का अवतरण हो। ध्यान है क्या? ध्यान किसे कहते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? क्या ध्यान जवान युवा है जो, उसके लिए भी ध्यान की पद्धति कारगर है, या केवल ध्यान जब व्यक्ति अपने समस्त कार्यों से निर्वहित हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब ध्यान की उपयोगिता रहती है? ऐसा न जाने कितनी तरह तरह की बातों में ये समाज ध्यान को लेकर अपने अपने कल्पनाओं में जीता है, लेकिन वास्तव में यदि आप देखते हैं तो ध्यान व्यक्ति के जन्म के साथ, जब आपका जन्म हुआ तब से ही ध्यान की शुरुआत आपके साथ हो गई। आपने आंखें खोली और बाहर इस जगत को जब देखा तो मानो आपका ध्यान वहीं से ही प्रारंभ हो गया। आपने ध्यान से ही अपने जन्मदाता को देखा, उसकी पहचान की, उस एहसास को ध्यान के द्वारा ही आपने महसूस किया। तो ध्यान जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के आखिरी श्वास तक, जब व्यक्ति उस आखिरी श्वास को लेता है, जब काल सामने खड़ा हो जाता है, तब भी व्यक्ति का जीवन में ध्यान ही रहता है। तो ध्यान से आप अछूते नहीं रह सकते। ध्यान आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर यूं कहें कि ध्यान आपके जीवन का सबसे मुख्य भाग है और ध्यान से ही आपका जीवन गति पाता है, आप ध्यान के द्वारा ही चलते हैं, ध्यान के द्वारा ही आप उठते हैं, ध्यान से ही आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जहां ध्यान नहीं होता? और जहां ध्यान नहीं होता वहां आप उस कार्य को सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, उस कार्य में आप परिणाम उसका आपके अनुकूल नहीं होता। तो ध्यान आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण भाग है, तो उसको आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा समझना कि ध्यान युवाओं के लिए नहीं है, अभी तो हम युवा हैं, अभी हम बच्चे हैं, हमारे लिए ध्यान की कोई उपयोगिता नहीं है, जब बूढ़े होंगे तब हम ध्यान करेंगे, यह बिल्कुल गलत पथ है। यदि आप इस पथ पर चलते हैं और इस विचारधारा को मानते हैं कि हमें बुढ़ापे में ही ध्यान का अनुसरण करना है, ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग यूं ही गवा देंगे। तो ध्यान में आप निरंतर कैसे रहें, कैसे अपने जीवन में आप उन्नतियों को प्राप्त हों, जो बड़ी उन्नति है उनके लिए बड़ा ध्यान आवश्यक की जरूरत है। कोई भी महान से महान व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में ध्यान का उतना ही बड़ा स्वरूप रहा है जितना उसका व्यक्तित्व है। तो ध्यान ही आपके व्यक्तित्व को बड़ा करता है, ध्यान आपके जीवन में एक सपोर्ट की तरह आपके जीवन को ऊपर उठाता जाता है। तो ध्यान यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो
तो ध्यान आपके आपको निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए, और ये अभ्यास की चीज़ है। मैं चाहूँ कि आपको मैं ध्यान उठाकर दे दूँ, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान आपके भीतर घटित होता है, ध्यान बाहर से नहीं हो सकता। ध्यान किसी की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ध्यान आपको स्वयं अपने भीतर से उत्पन्न करना होगा, उसको मजबूत बनाना होगा। जो आपके भीतर ध्यान का जो अंकुर है, जो बीज है, उसको पोषित करना होगा निरंतर अभ्यास के माध्यम से। योग में अनेकों प्रकार की विधियां हैं जो आपको ध्यान की प्रबलता की ओर ले जाते हैं, ध्यान को आपके जीवन में उसका रूप बड़ा करते हैं। लेकिन आज हम जिस विधि की बात करेंगे, जिस विधि से मैं आपको अभी ध्यान कराऊंगा, वो बहुत ही सरल विधि है और बहुत पावरफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आज आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे मेरे साथ और पाएंगे कि वास्तव में आप अभी लाइव सेशन से पहले जो थे, लाइव सेशन के बाद आप टोटली बदल चुके हो। अब वो बदलाव कैसा है उसे आप स्वयं महसूस करें, और उस बदलाव में आप यदि रहना चाहते हैं निरंतर और उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको हर रोज ध्यान करना चाहिए। तो ये आप स्वयं डिसाइड करें। आज के सेशन के बाद आप स्वयं इसको चयन करें कि आपको इस अवस्था में कैसा लगा और आपको आपने क्या क्या फील किया। तो इस फीलिंग को आपको पोषित करना है, आगे बढ़ाना है, तो आप निरंतर जुड़े रहें ध्यान से और अभ्यास करते रहें। मैं आपको समय समय पर निरंतर आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा अगर आप चाहें ध्यान से जुड़ने के लिए। तो हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, ध्यान का सत्र आप प्रारंभ करने से पहले अपने आप को किसी सही स्वच्छ जगह पर आप अपने आप को बैठें, आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि निरंतर जो ध्यान का अभ्यास हम करेंगे उसमें बीच में कोई विघ्न न उत्पन्न हो। कोई भी मोबाइल फोन आपके पास न हो, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ आपके पास ना हो जो आपको प्रभावित करे, क्योंकि इसमें जब हम गहनता में जाते हैं तो वापस धीरे धीरे एक प्रोसेस से ही वापस आते हैं। अगर बीच में विघ्न उत्पन्न हो जाता है तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ध्यान को आप बहुत ध्यान से करें। आप सभी तैयार रहें, बैठें, किसी भी स्थिति में आप चेयर पर बैठ सकते हैं, आप नीचे बैठ सकते हैं, आप लेट कर भी कर सकते हैं ध्यान का अभ्यास। तो आप सभी तैयार हैं, चलते हैं ध्यान यात्रा पर और इसका आनंद लेते हैं, आत्मसात करते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं और हमारा क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जन्म होने का। तो सभी आप अपनी आंखें बंद करें, स्पाइन को सीधा करें, सर्वप्रथम अपने श्वासों को महसूस कीजिए। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आते जाते श्वास को महसूस कीजिए। हाथों को आप किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में रखें। आप अंजलि मुद्रा भी बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर अंजलि अपनी रखते हुए, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट को उसके ऊपर, या ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टिप पॉइंट को आपस में मिलाएं, ये ध्यान मुद्रा हो जाती है, से हमारा एकाग्रता का लेवल बढ़ता है। तो अपने श्वासों को महसूस करें। जो श्वास
आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन श्वासों को आप महसूस कीजिए। बिल्कुल सहज हो जाओ। किसी तरह का भी कोई यदि विचार उठ रहा हो तो उसे उठने दो। आपको बस अपने आप को सहज छोड़ना है। श्वास जिस गति से आ रहे हैं, आने दो, जाने दो, सहज हो जाओ। विचारों को रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। और न विचारों पर ध्यान दें। गर्दन भी आपकी सीधी रहे, पूरी रीढ़ एकदम सीधी, अब धीरे धीरे आप अपने श्वासों पर फोकस को थोड़ा प्रगाढ़ करते हुए, फोकस लगाते हुए अपने श्वासों पर, श्वासों को धीरे धीरे लंबा लें, गहराई तक ले जाओ श्वासों को, धीरे धीरे अपने श्वासों को गहराई में ले जाओ। श्वास को बाहर छोड़ो, गहराई से बाहर छोड़ो। जिस प्रकार से समुद्र में गोताखोर जब बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे गहराई में जाना होता है, क्योंकि समुद्र की गहराई में ही बहुमूल्यता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से इस देह रूपी समुद्र में भी आप अपने श्वासों के माध्यम से गहराई में जाओ, धीरे धीरे गहराई से बाहर आओ। जब श्वास छोड़ो तो लंबा श्वास छोड़ो। और ये श्वास नासिका से ही आता जाता रहे। अपने प्राण चक्र पर एकाग्र चित्त करते हुए अपने मन को प्राण चक्र, नासिका और अपर लिप्स के मध्य का जो भाग है वहां अपने मन को एकाग्र चित्त कर दो। वहीं से होकर श्वास, ये वायु आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है और वहीं से ही वायु बाहर निष्कासित हो रही है। आना जाना आप करते रहो। जब तक पूरी प्रक्रिया को आप करेंगे नहीं, इसका अनुभव नहीं ले पाएंगे। अपने आप को यदि वास्तव में आप खोजना चाहते हैं तो आप करें ध्यान, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान से ही संभव है। गहरे श्वासों के साथ अपने श्वासों की यात्रा पर
श्वास आपका यान है। श्वासों पर आप पूरा फोकस करते हुए इस देह की गहराई में उतर जाओ। बाहर बहुत देखा, बाहर बहुत घूमे, लेकिन बाहर जो भी प्राप्त हुआ वो प्राप्त होते ही बदल गया। परिवर्तित हो गया। जिस अवस्था में आपने उसे चुना था वो अवस्था ही चली गई, गायब हो गई। और यही प्रकृति का नियम है। तो बाहर की चीजों को बहुत ढूंढा, बहुत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठहरा नहीं, सब बदल गया। कुछ हाथ ही नहीं आया। अब आप एक बार भीतर की यात्रा पर जाओ। बाहर की जीवन यात्रा खोखली रही, अब भीतर की यात्रा पर चलो और पाओ उस अमूल्य रत्नों को, जिनकी चमक से आपका पूरा जीवन प्रकाशित हो जाता है, जिनकी चमक आपके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। ऐसे बहुमूल्य रत्न मणि आपके भीतर हैं। आपकी खोज आज तक बाहर की थी, अब भीतर कूद जाओ समर्पण के भाव से। जो समर्पण नहीं कर सके वो इस गहराई में नहीं उतर पाएगा। जिसके भीतर श्रद्धा और कुछ पाने की चाह, कुछ वास्तविकता को जानने की चाह नहीं है, वो इस गहराई में नहीं उतर पाएगा। जो है जो पाना चाहता है उस जीवन दर्शन को वो कूद जाए, वो चले मेरे साथ इस यात्रा पर। अब धीरे धीरे पूरे शरीर में श्वास के प्रवाह को महसूस करो। संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में ये जो वायु श्वास के माध्यम से आप ले रहे थे, उस वायु में मात्र ऑक्सीजन ही नहीं थी, उस वायु में अभी तो एक दिव्य शक्ति, एक प्राण शक्ति जो आपके भीतर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है, फैल रही है संपूर्ण शरीर में, उसे महसूस करो। पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन, संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में एक वाइब्रेशन, नाड़ियों में एक कंपन, एक गति, जैसे ही आप ध्यान में और गहराई में जाएंगे आप पाएंगे
इस कंपन में जो तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं, आप पाएंगे कि आपका पूरा देह समुद्र के जल के समान ऊपर नीचे के बहाव के साथ गति कर रहा है। आप पाएंगे कि एक तरंग जो आपके पूरे देह को तरंगित कर रही है, इस पूरे शरीर की क्रियाओं को गति दे रही है। आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, मस्तिष्क, इन सब को एक गति मिल रही है उस तरंग के माध्यम से। आप उस तरंग को महसूस करो जो पूरे शरीर को तरंगित कर रही है। कुछ पलों के लिए शांत हो जाओ। मौन, ध्यान शब्द रहित है, मौन है ध्यान। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से ध्यान मौन है। बिल्कुल मौन हो जाओ और तरंगित होते हुए हर उस वाइब्रेशन को फील करो अपने भीतर, पैरों से लेकर सिर की चोटी तक। एक रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जैसे जैसे आपके जीवन में घटित होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के बाद सुबह जब सूर्य निकलता है और प्रकाश पूरे अंधकार की सत्ता को मिटा देता है, ठीक वैसे ही आपके भीतर ध्यान का प्रकाश फैल रहा है। अब कहीं अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। अज्ञानता नहीं, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां आप तिलक लगाते हैं वहां पर केंद्रित करें। अपने मन को आज्ञा चक्र पर किसी अंतः चक्षु या तीसरा नेत्र भी कहते हैं, स्पाइन सीधी रखते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। देखते रहो अपने आज्ञा चक्र को, अब गहरे सांस लो धीरे धीरे और वापस अपनी चेतना में लौटें प्रसन्नता के साथ, उस आनंद, उस उत्साह के साथ जैसे समुद्र से गोताखोर जब अपनी पोटली भर के लौटता है और उसके भीतर जो उत्साह होता है, वैसे ही आपके भीतर भी उत्साह, उमंग और आनंद होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आए, अपने श्वासों को गहराई से धीरे धीरे वापस चेतना में बनाए। चेतनता के साथ गहरे श्वास लें 3 बार।
अब दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करें। अपनी आंखों पर रखें अपने हाथों को और महसूस करें इस ऊर्जा को जो हथेलियों से घर्षण से उत्पन्न होती है। अपनी बॉडी में ही अपने एंटर कराएं इस ऊर्जा को अपनी आंखों के माध्यम से। धीरे से आंखें खोलें, हाथों को हटाएं, सहज हो जाएं। बहुत ही अच्छा अनुभव आपको लग रहा होगा, एकदम डिफरेंट फील आप कर रहे होंगे। ये ध्यान यात्रा, इसका आप निरंतर अभ्यास करें। गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब आप उसका अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और यही काम बस गुरु का होता है, आपको मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन पहुंच वही सकता है जो चलने की इच्छा रखता है, जो चलना चाहता है, जाना चाहता है जो। तो आप ने यह आज ध्यान का अभ्यास किया और इस आनंद को आप प्रतिदिन अपने जीवन में निरंतर अभ्यास के माध्यम से बढ़ाते जाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुखी और स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें, ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करें और अपने साथ, अपने परिवार के साथ आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आज के इस ध्यान के सत्र को आप सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और इस लाइव सेशन को आप शेयर भी करें ताकि यह दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वह भी इसका लाभ ले सकें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।